रश्मि देसाई के फैंस को जब से ये बात पता चली है कि नागिन 4 बंद होने जा रहा है, तभी से वो काफी अपसेट हैं और इस बात को लेकर कि अब रश्मि टीवी पर नजर नहीं आएंगी। लेकिन इस बीच अब रश्मि देसाई ने खुद सामने आकर कर दिए हैं 3 बड़े ऐलान। जी हाँ, रश्मि ने बता दिया है सबको कि आखिर नागिन 4 के बाद वो क्या काम करने वाली हैं और क्या है उनका फ्यूचर प्लान। दरअसल हाल ही में वेबसाइट स्पॉट बॉय से खास बातचीत में रश्मि ने इस पर बातचीत की। तो चलिए एक एक करके आपको बताते हैं कि आखिर रश्मि ने कौन कौन से 3 बड़े खुलासे किए। रश्मि का खुलासा नंबर 1, नागिन 4 पर चौंकाने वाली बात। जी हाँ, अब ये तो हम भी अपनी पिछली रिपोर्ट में आपको बता चुके हैं कि रश्मि नागिन 4 के फिनाले एपिसोड्स का हिस्सा होंगी और खबरों के मुताबिक उनका लुक भी काफी दमदार होने वाला है। लेकिन स्पॉट बॉय से बातचीत में रश्मि ने कुछ और चौंकाने वाली बातें कही। रश्मि के मुताबिक मेकर्स ने शो में कुछ बेहद चौंकाने वाले क्रिएटिव चेंजेस किए हैं जो शो के लास्ट एपिसोड में ऑडियंस को देखने को मिलेंगे। हालांकि वो चेंजेस क्या है इसको लेकर रश्मि ने ज्यादा कुछ तो रिवील नहीं किया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि इन बदलाव को देखने के बाद ऑडियंस शो के लिए काफी एक्साइटेड रहेगी। रश्मि का खुलासा नंबर 2, नागिन 5 में होगी री एंट्री। जी हाँ, नागिन 4 में रश्मि का शलाका अवतार सबसे ज्यादा पसंद किया गया। ऐसे में फैंस उन्हें लगातार शो के अगले सीजन में देखने की भी डिमांड कर रहे हैं और अब रश्मि ने भी इशारों में मान लिया है कि वो नागिन 5 में री एंट्री करेंगी। दरअसल जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या वो नागिन 5 का हिस्सा होंगी, तो इस पर उन्होंने जवाब दिया कि वो नागिन 5 में होंगी, लेकिन इस बार उनका स्पेशल अपीयरेंस होगा, यानी उनका रोल काफी छोटा हो सकता है, लेकिन नागिन 5 की शुरुआत के लिए काफी जरूरी भी। रश्मि का खुलासा नंबर 3, OTT प्लेटफॉर्म पर आएगा नया शो। जी हाँ, इस बातचीत में रश्मि ने ये भी इशारा किया है कि उनके फैंस अब उन्हें टीवी के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी देख सकेंगे। लेकिन क्या वो शो एकता कपूर का शो होगा या नहीं और कौन सा रहेगा वो शो, इसको लेकर रश्मि ने कुछ यूँ कहा। आई एम ऑलरेडी इन डिस्कशन फॉर अ फ्यू प्रोजेक्ट, इफ ऑल गोज वेल यू मे वॉच मी नेक्स्ट ऑन OTT शो। एकता इज समवन हु हैज गिवन लाइफ टू टेलीविजन वर्ल्ड बाय स्टार्टिंग हर के सीरीज। वर्किंग विद हर इज लाइक अ ब्रांड न्यू एक्सपीरियंस बिकॉज ऑल हर प्रोजेक्ट्स आर सो डिफरेंट। My journey was short this time, but I definitely want to work with her more and would love to explore the kind of content she is producing for OTT space. तो सुना आपने, रश्मि के मुताबिक उनका अगला प्रोजेक्ट OTT प्लेटफॉर्म पर आने वाला कोई नया शो होगा, लेकिन ऐसे में उन्होंने एकता कपूर के साथ काम करने की इच्छा भी जाहिर की है। तो देखते हैं कि उनका शो वो कौन सा होगा, लेकिन फिलहाल देखना ये दिलचस्प ही रहेगा कि नागिन 4 के बाद नागिन 5 में रश्मि का क्या रोल रहेगा।